नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बस एक खुराक खाते ही वो होगा जो आप रोज सोचते हैं, इतना तेज पावरफुल हर परेशानियां होगा खत्म। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को धतूरे के फायदा बताऊंगा। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना, आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। अगर आज के यह वीडियो आधे बीच में छोड़ करके चल देते हैं, मिस कर देते, तो पूरे जिंदगी भर आप पछताएंगे। क्योंकि आज मैं आप लोगों को इसके द्वारा जो आयुर्वेदिक प्रयोग सिखाऊंगा, प्राकृतिक उपचार सिखाऊंगा, पूरे जिंदगी भर आपको काम आएंगे। ऐसा कोई बीमारी नहीं जो कि धतूरे से ठीक ना होता हो। इसलिए दोस्तों, इसे दिव्य पौधा के रूप में, दिव्य औषधि की श्रेणी के रूप में इसे बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों ने, आयुर्वेद के बड़े बड़े विशेषज्ञों ने रखा है। धतूरे का पौधा सारे भारत वर्ष में हर जगह पाया जाता है, चाहे गाँव में रहते हो आप, चाहे शहर में रहते हो, खेतों के किनारे पर, जंगल में, गाँव में, शहरों में, या जो नदी है, नाले हैं, वहां पे बहुत आसानी से ये मिल जाते हैं। तो आइए इसका आयुर्वेदिक फायदा को थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को, जो भी मैं जानता हूँ वही मैं आप लोगों को ज्ञान बांट रहा हूँ, बटोर रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि इस प्रकार के पेड़ पौधे केवल हमारे भारत भूमि में मिलते हैं और हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदा हुए और हमें आयुर्वेद की जानकारी हो, और आयुर्वेद की ही जो दोस्तों धरोहर है, हमारे भारत भूमि से ही उत्पन्न हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, अगर सच्चे बिल्कुल ही आप भारतीय तो जरूर लिखना दोस्तों, क्योंकि हमें काफी गर्व होता है कि हम भारत भूमि में पैदा हुए और हमें इस प्रकार के आयुर्वेद की जानकारी फ्री में भगवान द्वारा प्रदान किया गया है। क्योंकि दोस्तों, छोटे छोटे परेशानी को लेकर के हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, छोटे छोटे परेशानी को घर पर ही रह करके ठीक किया जा सकता है, इसके लिए डॉक्टरों को मोटी रकम देने की भी जरूरत नहीं है। तो औषधि क्रम में अगर मैं इसका फायदा बताने की कोशिश करूं, बताने का प्रयास करूं, तो सबसे पहले सिर के दर्द को ठीक करने का काम करते हैं। अगर इसके 2 से 3 बीज रोजाना निगल करके खाया जाए तो सिर के दर्द ठीक हो जाते हैं। वैसे धतूरे का बीज आपको खाना नहीं चाहिए, केवल आप चाहते हैं तो 2 से 3 बीज इसका प्रयोग करें। ज्यादा खाने से ये जहर का काम कर सकते हैं दोस्तों, चक्कर भी आ सकते हैं। तो 2 से 3 बीज से ऊपर नहीं लेने, इससे ज्यादा डोज नहीं बढ़ाना है आपको। अगर सिर में जो आ गया लिख मिल गए हैं, तो सरसों का तेल 4 किलो में लेकर के जो धतूरे का पत्ते होते हैं, इसके जो बीज होते हैं, कम से कम 0.5 किलो के आसपास में मिला करके आग में अच्छी तरह से पकाना है। जब तेल आधे बच जाए तो इसे किसी प्रकार के बोतल में भर करके रख लें, और इस तेल को बालों पर लगाने से जो बालों में अगर जू आ गए हैं तो मर जाते हैं। पागलपन दूर करने के लिए काले धतूरे के शुद्ध बीजों को पीत पापड़ के रस में घोट करके पीने से पागलपन शांत हो जाता है। स्तनों के सूजन दूर करने के लिए धतूरे के पत्ते को गर्म करके बांधने से काफी आराम मिलता है। जरूरी नहीं है कि स्तन के सूजन दूर करें, और भी अगर आपके शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन आ गए हैं, गांठ आ गए, उसे भी दूर करने का काम करते हैं। गर्भधारण में दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, धतूरे के फलों का चूर्ण, जी हाँ, इसके फल का चूर्ण घी और शहद में मिला करके, वैसे चूर्ण का इसका प्रयोग थोड़ी मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में करना, अन्यथा नुकसान भी कर सकते हैं। तो इससे गर्भ ठहर जाता है, ऐसा हमारे पुराने प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है। गठिया के दर्द है तो इसके पंचांग का रस निकाले और इसे तिल के तेल में मिला करके अच्छी पका ले, और जब ये पूरी तरह से पक जाए तो इस किसी बोतल में भर करके रख ले, फिर मालिश करें, हर प्रकार के दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं, सूजन है वह जड़ से समाप्त हो जाते हैं। तो ये थे कुछ इसके छोटे से जानकारी। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसके माध्यम से शीघ्र पतन, काम शक्ति बढ़ाने वाला और बुखार दूर करने वाला बहुत सारे इसका आयुर्वेदिक लाभ सिखाऊंगा। तो ये थे छोटी सी जानकारी दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।